हेलो दोस्तों, टीवी सीरियल पिशाचिनी में जो है रॉकी को हो गया है पवित्रा की बातों पर यकीन। जी हाँ दोस्तों, तो दरअसल जब रॉकी अपने रूम में खड़ा हुआ अपने चाचा चाची से बात कर रहा होता है तब अचानक जो है उसे एक ग्रीन लाइट दिखाई पड़ती है। उस ग्रीन लाइट को देखते ही वो अपने चाचा चाची को बताता है कि आप देखिए आपको भी ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है। प्रतीक और अमृता जो है उसको झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी वहाँ पर रॉकी के दादू भी आ जाते हैं। रॉकी जो है अपने दादू को भी बताता है लेकिन उसके दादू भी मना कर देते हैं। तभी रॉकी जो है कहता है कि कहीं मिस लंडन सच तो नहीं बोल रही थी। इस बात को सुनते ही अमृता और प्रतीक डर जाते हैं। तभी वो रॉकी के लिए पिशाचिनी जूस बनाकर लेकर आते हैं। उस जूस को जैसे ही रॉकी पीता है वो तुरंत सब कुछ भूल जाता है और उसे केवल इतना याद आता है कि कल उसकी और रानी की शादी है। रॉकी के दादू अमृता प्रतीक से पूछते हैं कि अगर पवित्रा ने कल शादी में कोई बखेड़ा खड़ा किया तो क्या होगा। तभी अमृता प्रतीक बताते हैं कि उसका इंतजाम जो है रानी कर रही है। रानी जो है पवित्रा के कमरे में जाती है और पवित्रा को अपनी बातों में उलझाकर उसके सर पर डंडा मार देती है जिसके कारण पवित्रा जो है वहीं पर बेहोश हो जाती है और रानी जो है पवित्रा को अपनी बालों में बांधकर कुएं में कैद करके आ जाती है। तो जैसे ही सुबह होती है पवित्रा की आंखें खुलती है और वो अपने आप को कुएं में देखकर हेल्प मांगती है लेकिन सभी घर वाले रॉकी की हल्दी में बिजी है तो किसी को भी पवित्रा की आवाज नहीं पहुंचती। लेकिन रॉकी के ऊपर पिशाचिनी जूस का असर होते हुए भी उसके कानों में पवित्रा की आवाज पहुंच जाती है जिसके कारण रॉकी जो है बेचैन हो जाता है। रानी उसको देखती है और अमृता से पूछती है कि क्या तुमने पिशाचिनी जूस पिला दिया था, जिस पर अमृता हाँ कहती है। तभी रानी उसको कहती है फिर ये इतना बेचैन क्यों लग रहा है जैसे पवित्रा की ओर खींचा जा रहा हो। तो वही जो है विद्या को शक होता है रानी के ऊपर क्योंकि जब रानी के ऊपर चाकू से वार हुआ था तब उसके हाथ पर विद्या ने टैटू बना हुआ देखा। लेकिन था। जब रानी के हाथ पर विद्या मेहंदी लगाने के लिए आती है और उसके हाथ पर टैटू ना बना देखकर उसे याद आता है तब वो अपने मन में कहती है कि आखिरकार रानी का टैटू कहाँ गया। तो वही दूसरी ओर जब पवित्रा कुएं से बाहर आने के लिए छटपटा रही होती है तब उसे कुछ ईंटों पर नाम दिखाई देता है जिस पर पवित्रा कहती है कि आखिरकार रानी का राज क्या है। तभी अचानक वहाँ पर मेढक आ जाता है रानी का और वो आकर रानी की सच्चाई बताता है कि आखिरकार रानी राजपूत परिवार में शादी क्यों कर रही है। मेढक उसको बताता है कि रानी को जो है महापिशाचिनी बनना है और वो केवल तभी सफल हो पाएगा जब उस परिवार के वंशज से शादी करेगी जिसने 200 साल पहले उसे मार दिया और था। और महापिशाचिनी बनने के लिए उसे अपने सभी परिवार वालों को अपने साथ जोड़ना होगा, पिशाच बनाना होगा। तो पवित्रा जो है रानी की सारी सच्चाई जान चुकी है कि आखिरकार रानी रॉकी से शादी क्यों करना चाहती है। वही दूसरी ओर शादी की तैयारी हो चुकी और पवित्रा ने भी खुद से वादा कर लिया है कि मैं किसी भी तरह इस शादी को रोक रहूंगी। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या पवित्रा रॉकी की शादी रोकने में कामयाब हो पाएगी या फिर वही रानी के बिछाए हुए जाल में फंसी रह जाएगी। तो आगे का एपिसोड देखना काफी दिलचस्प होगा। दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।